ये कहानी जेएनएम की एक बारटेंडर के बारे में है, जिसके ऊपर उसकी बीवी का अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा और इसीलिए वो अपने बीवी के साथ नहीं रहता था और वो हर बुधवार को एक अननोन लड़की के साथ सेक्स करने लगता है जिसके नाम तक वो नहीं जानता था और धीरे धीरे वो उससे प्यार करने लगता है। उसके बाद क्या होता है वो हम आज के एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो गाइज, आज मैं जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उसका नाम है इंटीमेसी। ये मूवी 2001 की है। इस मूवी को IMDb पे रेटिंग मिला है 6.1 स्टार आउट ऑफ 10 एंड 69% मेटाक्रिटिक्स पर, 66% रॉटन टोमेटोस पर ये मूवी फ्रेश है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पैट्रिस चेडियो। तो चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम जे को देखते हैं। वो सो रहा था तभी वो लड़की आती है। वो लोग कॉफी पीते पीते बातें करने लगते है। जे उस लड़की के साथ कैसे मिला ये हमें कहानी में नहीं दिखाया गया है एंड उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते है। इंटीमेट होने के बाद वो लड़की वहाँ से निकल जाती है। वो दोनों एक दूसरे से ज्यादा बातें नहीं करते थे और फिर जे भी अपने काम पर जाता है। जे एक बारटेंडर था। वहाँ पे काम पर इयान नाम का एक नया लड़का आया था। काम पर जाकर जे इयान के सामने अपना रॉब दिखाने लगता है। वो इयान को समझाता है कि कैसे कस्टमर्स को हैंडल किया जाता है। काम से जब जे घर लौटता है तब उसे उसकी बीबी और बच्चों का याद आता है। जे अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। नेक्स्ट बुधवार वो लड़की फिर से जे के घर आती है और वो लोग फिर से इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद वो लड़की एक मिनट भी वहाँ पर नहीं रुकती थी। उसके बाद जे अपने काम पर जाता है। जे यान को पहले पसंद नहीं करता था लेकिन उसका हार्ड वर्क देखकर वो उसे अब पसंद करने लगा था और उसके साथ उसकी दोस्ती भी हो जाता है। वो यान के साथ एक ड्रिंक लेता है और अपने लाइफ की दुख भरी कहानी उसे सुनाता है। यान रहने के लिए एक घर ढूंढ रहा था और इसीलिए जे यान को अपने एक दोस्त विक्टर के घर ले जाता है घर दिखाने के लिए और वहाँ पे उसे रहने का जगह भी मिल जाता है। नेक्स्ट बुधवार फिर से वो लड़की जे के घर आती है और फिर वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। इस बार जे उसे एक अलग ही नजरिया से देख रहा था। उस लड़की के जाने के बाद जे उसका पीछा करने लगता है। काफी दूर तक जाने के बाद मार्केट में भीड़ होने की वजह से वो वहाँ से ही लौट आता है। उसके बाद हमें आगे की कुछ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि जे एक म्यूजिशियन था और वो अपने बीवी के चीजों को छू कर मास्टरबेट करने लगता है क्योंकि उन दोनों का रिलेशन उतना ज्यादा अच्छा नहीं था। एंड उसके बाद सीन प्रेजेंट डे की दिखाया जाता है। फिर से बुधवार आता है और वो लड़की भी जे के घर आती है। वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं और जब वो लड़की घर से बाहर निकलती है तभी वहाँ पे विक्टर आता है। उस लड़की के बारे में पूछने पर जे विक्टर से कहता है कि वो उसकी मकान मालकिन थी। विक्टर जे के घर कुछ दिनों के लिए रुकना चाहता था तो जे उसे उसके साथ सिर्फ 2 दिन के लिए रुकने की परमिशन देता है और फिर जे फिर से उस लड़की की पीछा करने लगता है। जे उस लड़की की घर तक पहुँच जाता है। वो लड़की जब अपने घर से बाहर आती है तो जे फिर से उसका पीछा करता है और एक थिएटर में जाकर पहुंचता है जहाँ पर वो देखता है कि वो लड़की थिएटर में एक कैरेक्टर प्ले कर रही थी। वहाँ पर जे के साथ एंडी नाम की एक आदमी से मुलाकात होता है। उनसे बातें करके जे को उस लड़की की नाम पता चलता है। उसकी नाम थी क्लेयर और एंडी उसका पति था और उसका एक बेटा भी था। सब कुछ जाने के बाद जे क्लेयर के साथ अपना रिलेशन खत्म करने की सोचता है और वो बार में जाकर इयान से इस बारे में एडवाइस लेता है। इयान जे से कहता है कि तुम इस बारे में उसके साथ जाकर ही बात करो। तो जे कहता है कि वो लोग इतना बातें नहीं करते। तो इयान कहता है कि सब कुछ ऐसा ही रहने दो, धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर से बुधवार आता है और जे विक्टर को अपने घर से बाहर निकलता है। उसके फेस पर इस बार एक अलग ही खुशी था क्लेयर से मिलने का। शाम हो जाता है पर क्लेयर नहीं आती और फिर जे फिर से थिएटर में जाता है क्लेयर को देखने। नेक्स्ट डे क्लेयर जे को मार्केट में देखती है और इस बार क्लेयर जे का पीछा करती है। उसका पीछा करने पर वो देखती है कि जे वही थिएटर में जाता है जहाँ पर क्लेयर प्ले करती है। दूर से जो देखकर क्लेयर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जे से क्लेयर की रास्ते में मुलाकात होती है। वो जे से कहती है कि वो पिछले बुधवार काम में फंस गई थी और इसलिए वो आ नहीं सकी। उसके बाद जे उसे अपने साथ घर ले जाता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे जे एक प्रोस्टिट्यूट से जाकर मिलता है और उसके साथ इंटीमेट होता है पर खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाता और वो वहाँ से चला जाता है। फिर जे अपने बेटे और बीवी से जाकर मिलता है और फिर वो फिर से थिएटर में जाता है। वहाँ पे एंडी क्लेयर से जे को इंट्रोड्यूस कराता है। एंडी के सामने वो दोनों ऐसा प्रिटेंड करता है जैसा मानो वो लोग एक
दूसरे को पहचानते ही नहीं। वहाँ पे जे क्लेयर से बार बार बातें करने की कोशिश करता है, जो कि एंडी नोटिस करता है और उसे उन पर शक होता है। रात में एंडी जे से मिलने बार में जाता है। वो जे से जाकर कहता है कि वो क्लेयर से बहुत प्यार करता है और जे को उनके जिंदगी से बाहर जाने के लिए कहता है, जो सुनकर जे को बहुत बुरा लगता है और उसे बहुत ही गिल्टी फील होता है कि शायद उसके वजह से ही उनके जिंदगी में दरार पड़ रहे हैं। अगले दिन जे अपने दोस्तों के साथ अपने घर का सफाई करता है। उनके जाने के बाद क्लेयर वहाँ पर आती है। जे क्लेयर को अपने बारे में सब कुछ बताता है। वो कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। जे क्लेयर को उसके साथ हमेशा के लिए रुकने को कहता है, लेकिन क्लेयर कहता है कि वो अपने पति और बेटे को उसके लिए छोड़ नहीं सकती। और फिर वो दोनों आखिरी बार के लिए इंटीमेट होते हैं एंड उसके बाद क्लेयर वहाँ से चली जाती है एंड उसके साथ मूवी यहीं पर खत्म होता है। तो गाइज, ये थी इंटीमेसी मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना एंड उसके साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।